और देश के सीआईडी को फिसड्डी बताने वाले गृह मंत्री अनिल विज ने सीआईडी चीफ एडीजीपी अनिल राव से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज ने सीआईडी चीफ अनिल राव को 11 दिसंबर को पत्र भेजकर कोई जानकारी मांगी थी। उनका 15 दिन तक जवाब नहीं आया तो 25 दिसंबर को रिमाइंडर भेजा गया। इसके बावजूद कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। अब विज ने मंगलवार को गृह सचिव विजय गोवर्धन के जरिए राव से 3 दिन में जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि जो सूचनाएं मांगी गई हैं वे क्यों नहीं दी जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि 1996 के बाद पहली बार मंत्री को गृह विभाग दिया गया है। सीआईडी विभाग सीएम अपने पास रखते हैं। इस बार विज को गृह के साथ सीआईडी विभाग भी दिया हुआ है। 9 सीनियर आईपीएस के ट्रांसफर के मामले में कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है। गृह मंत्री अनिल विज की ओर से ईमेल के जरिए पत्र भेजने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनसे फोन पर बात की व मिलकर समाधान करने की बात कही। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार शाम सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर के खुल्लर के घर निजी कार्यक्रम में सीएम व गृह मंत्री साथ गए थे। दोनों की मुलाकात भी हुई पर ट्रांसफर को लेकर क्या बात हुई यह अभी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि विज पीछे हटने को तैयार नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।